Hi guys, welcome to my channel. This is me, Sonu Kaur Devra. So I'm vlogging today and I love vlogging. So this is my first outfit from scratch video. So I'm super duper excited. Basically आज मैं बहुत बड़ा चैलेंज करने वाली हूँ. बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए, आप लोगों के लिए ईजी होगा बट मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद स्टिच करने वाली हूँ, ना किसी और से. मेरे को मतलब सिलाई से तो मैं इतना दूर हूँ, कहीं कनेक्शन ही नहीं है, मेरे को चाहते ही नहीं, मेरे को पसंद भी नहीं है. तो मैं खुद मेरे हाथों से स्टिच करने वाली हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है. तो हाँ, वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको आउटफिट बता देती हूँ कि मैं किस टाइप का आउटफिट स्टिच करने वाली हूँ. तो दिस आउटफिट टोटली इंस्पायर्ड बाय पिंटरेस्ट एंड पर्सनली आई लव पिंटरेस्ट आउटफिट. मतलब मेरे को इतने ज़्यादा पसंद, मेरा एक ड्रीम है कि मैंने जो पिंटरेस्ट पे जितने आउटफिट सेव कर रखे हैं उन सबको मैं खरीदूँ. मतलब वो फालतू बात. तो ये ड्रेस होने वाली है मिड लेंथ पफ स्लीव वाली. तो मेरे को मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं कैसे करने के लिए तैयार हो गई. मतलब मुझे इतनी स्टाइलिश ड्रेस स्टिच करने की तो बहुत बड़ी बात है. मेरे को तो कुछ मतलब नॉर्मल कुछ सिलने भी नहीं आता है. मतलब यूँ मशीन चलाने आती है, लेकिन कुछ सिल अभी तक मैंने कभी कोई सिलाई विलाई नहीं की, कोई ड्रेस बनाई नहीं है. तो पता नहीं क्या होगा, जैसा भी बनेगा. सुनो बकवास एंड फोकस ऑन दिस वीडियो. मैं आपको अपना फैब्रिक बता देती हूँ. तो मैं आपको अपना फैब्रिक बता देती हूँ. ये है वो फैब्रिक और आप लोगों ने ऐसा फैब्रिक बहुत ज़्यादा देखा होगा. एक मतलब कौन सा पता है, जो हमारे वो ऐसे गिफ्ट में जो ड्रेस नहीं आती, मतलब पापा के वगैरह ऐसे कोई भी फंक्शन में वगैरह, तो वो शर्ट का कपड़ा है. एंड ऐसी ड्रेस में लगभग ऐसा मतलब क्रेप वाला कपड़ा चलता है. तो मेरे पास यही ऑप्शन था और मैं इस ड्रेस के लिए पर्सनली बाज़ार नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरे पास मतलब था ऐसा, तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँ, सही है ना. तो इसलिए मैं इसका बनाऊँगी. और देखो मेरे को मतलब बिल्कुल भी कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कैसे क्या करूँगी, इसलिए मैंने पहले क्या किया कि जो ये कागज़ होते हैं इस पर मैंने ऐसे कट कर दिया, जो जो मतलब मेरे को करना है वो, ताकि मेरे को ईजी रहे. क्योंकि अगर मैं पहले से इतनी वो हूँ, मतलब इसमें मैंने डिग्री कर रखी हो, तो मेरे को आए मतलब कैसे आएगा, सही है ना. इसलिए फिर मैंने ये वाले कट करके इसके अकॉर्डिंग मैं कट करके स्टिच करूँगी. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. ये मैंने आगे वाला पार्ट कट किया है, ऐसा कुछ नेक आएगा मतलब, और पीछे वाला भी कट कर दिया. तो बस आप देखते रहिए और आगे आगे मैं क्या करती हूँ. Thank you.
फाइनली गाइज, इतनी मेहनत के बाद आउटफिट पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब मैं कब बैठी थी, 11:30 बजे मशीन पे बैठी थी और अभी 2 बज रहे सिर्फ एक ड्रेस सिलने में, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए बाकी तो आदत पड़ने के बाद तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अभी अपना आउटफिट बताती हूँ, देन उसको वेयर करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। ओ माई गॉड, मतलब मेरे को ट्रस्ट नहीं हो रहा है, मैंने स्टिच करा है। मतलब मैं आपको फुल लुक बता दूँ, मतलब फिटिंग वगैरह एकदम कंप्लीट। और एक ऐसे वो ड्रेसेस आती है ना वन पीस टाइप, तो मतलब सेम ऐसे लग रही है कि मैंने मतलब रेडीमेड हो वैसी लग रही है यार। मतलब इतना क्या बोलूँ मैं, दिस इज द फिट यार, मतलब ऑसम। मेरे को ट्रस्ट, मतलब आप लोगों को भी ट्रस्ट नहीं होना क्योंकि मैं कोई मजाक या फिर कोई स्कैम तो नहीं कर रही हूँ। लिटरली मतलब बहुत अच्छी प्रिटी ड्रेस बन के निकली है, और मतलब मेरे घर वालों के लिए तो बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मतलब मैं कभी ऐसे सिलाई वाले कभी मतलब शौक ही नहीं, शुरू से किया ही नहीं, तो उनके लिए तो ओहो आज बहुत मस्त वाला डे। मतलब मेरे को खुशी हो रही कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी ड्रेस। और कसम से मैंने ना इतनी ज़्यादा दिल से मेहनत किया आज, मतलब मैंने कुछ काम किया है पूरे दिन, कहीं ना कहीं पहन के जाऊँगी इस ड्रेस को। मैं 2-3 फोटोज़ क्लिक कर लेती हूँ और इंजॉय किया होगा। और मेरी तो कमर की बैंड बजी हो, मेरी कमर की बैंड बज गई है, तो मैं एक मिनट मैं आपको बता, ये सब मेरे को अपने अपनी जगह पे रखना है। मतलब अब सच में मेरी कमर की टाइट हो रही है, बैठा ही नहीं जा रहा मेरे से। तो मैं बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, चैनल को ज़रूर कर देना। और आज के बाद मैं कोई भी ऐसे स्टिच वाली वीडियो नहीं बनाऊंगी। हाँ छोड़ दे भाई, मैंने तो मेरे से नहीं होते ये सब। तो बस ओके, थैंक यू, बाय।